नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन आज बात खास तौर पर मुंबई की होगी, क्योंकि पानी पानी हो गई है मुंबई, और साथ ही कश्मीर में दो आतंकियों का खात्मा हुआ है, ये खबर आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी आज कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस खबर पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आपको दिखा देते हैं कि आज के बुलेटिन में क्या कुछ शामिल किया गया है। बिहार में बाढ़ का जिक्र होगा, क्योंकि वहां पर बाढ़ की विभीषिका थम नहीं रही है। समस्तीपुर तो 75% बाढ़ की चपेट में है, यहां 70 साल पुराने लोहे के पुल पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही मुरादाबाद आपको लिए चलेंगे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ चला है अभियान। एक दिन में 2200 बेटिकट यात्री पकड़े गए हैं। और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात को दिए जाने वाले तोहफे की। साथ ही आपको दिखाएंगे गांधीनगर रेलवे स्टेशन का 5-स्टार मेकओवर। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। नौ बज गए की शुरुआत मुंबई के साथ करेंगे, क्योंकि वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर में कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। दादर, सायन, हिंदमाता, अंधेरी, सबवे, गांधी मार्केट, कुर्ला, ये वो तमाम इलाके हैं जहां बारिश के दिन में जलभराव आमतौर पर होता है। आज की बारिश में भी यही हुआ है। मुसीबत का सामना मुंबई वासी कर रहे हैं। बारिश के कारण मुंबई में रेल की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, पटरी पर पानी जमा हो गया है। कुर्ला विद्यानगर लाइन पर ट्रेन 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही है। हार्बर लाइन का भी ऐसा ही हाल है। सायन मुंबई से मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरह की स्थिति इस वक्त मुंबई के अलग अलग इलाकों में है, कहां पर जलभराव है, कौन सी लोकल ट्रेन है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, कौन से वो रूट्स है? नेहा, देर रात से मुंबई में बारिश हो रही है, सुबह तीव्रता और ज्यादा बढ़ गई थी। नतीजा ये हुआ कि तमाम लो लाइंग एरियाज में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई है। इस वक्त मैं मुंबई के सबर्बन इलाके सायन में मौजूद हूँ, और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ठीक बगल में जो सर्विस रोड है, आप देखिए वो पूरी तरीके से पानी से लबालब है। अब सिर्फ सड़क पर ही पानी नहीं भरा है, बल्कि सड़क के उस पार हाउसिंग सोसाइटीज पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा जल जमाव हो गया है। अब क्योंकि रात भर मूसलाधार बारिश हुई है तमाम सबर्बन इलाकों में, आज सुबह भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, उसका नतीजा ये हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर किस कदर पानी चला गया है, ये आप अपने सामने देख सकते हैं। अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 घंटे और ज्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। यानी मुंबई और उसके आसपास के इलाके जैसे थाने है, नवी मुंबई है, यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी मैं सर्विस रोड की बात कर रहा था तो सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए सबवे है, वहां तक पानी चला गया है। इस वक्त खैर इस वक्त उतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन तेज हवा चल रही है जिसकी वजह से बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हुई है। लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 2-3 घंटे तक और ज्यादा बारिश होने वाली है, तो अगर बारिश होती है तो ये वाटर जो लेवल है ये और ज्यादा बढ़ेगा। पीछे देखिए सबवे है, वहां तक पानी जाएगा, यानी मुंबई वासियों की मुसीबत और बढ़ेगी। करीब 13 से 15 ऐसे जगह हैं जहां पर बस डायवर्शन कर दिया गया है, क्योंकि उन इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है। अब सायन, माटुंगा, चूनाभट्टी, कुर्ला, ये तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर डायवर्शन करना पड़ा है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लो लाइंग एरियाज हैं और वहां पर बस सर्विसेज नहीं चल पा रही है। ट्रेन सर्विसेज बताया जा रहा है इस वक्त 20 से 25 मिनट तक देर से चल रही हैं, खासकर कि कुर्ला, सायन, चूनाभट्टी एरिया में हमने देखा कि ट्रैक्स में पानी भर गया है। एयर सर्विस फिलहाल अवरुद्ध नहीं हुई है। 4:28 पर 4.08 मीटर की हाई टाइड का प्रेडिक्शन है, यानी उस वक्त
अगर तेज मूसलाधार बारिश होती है तब तो ये तय है कि मुंबई वासियों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ेंगी। अब लोकल ट्रेन्स में मुंबई वासियों को, आम जनता को जाने की सहूलियत इस वक्त नहीं है, यानी एक्सप्रेस हाईवे पे और सड़कों पे आज ट्रैफिक की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा होने वाली है। मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ, देखिए जैसे मैंने कहा था हाउसिंग सोसाइटीज में बहुत ज्यादा पानी भर रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास पंकज, इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आफत की बारिश लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत बन गई है, क्योंकि अभी जो लोग रेल ट्रैक पर आप देख सकते हैं वो दरअसल पानी में इस पूरे रास्ते को पार कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है कि इस पूरे रास्ते से जो लोकल गुजरती है, हालांकि अब कई ऐसे रूट्स हैं जहां पर लोकल्स को तो खोला गया है सशर्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, लेकिन कई ऐसे रूट्स अभी भी हैं जिन पर लोकल नहीं चल रही है। ऐसे में जैसा कि पंकज जानकारी दे रहे थे कि हाईवे पर और ज़्यादा यातायात बढ़ सकता है, ये दरअसल हम आपको उन इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग रोजमर्रा के काम के लिए निकले हैं लेकिन बारिश उनके काम के आड़े आ रही है। वहां पर लगातार इस वक्त भी बूंदाबांदी जारी है, जैसा कि हम तस्वीरों में आपको दिखाया रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है लेकिन लोग मजबूर हैं जैसे तैसे रेलवे ट्रैक्स को पार करके, छाते का सहारा लेकर, रेनकोट पहनकर और जैसे बन पड़े वैसे इन तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये देखिए रेलवे ट्रैक्स पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी लोकल वहां पहुंचेगी। पंकज मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, हर बार यही हम देखते हैं कि जब भी बारिश का सीजन आता है मुंबई के लिए आफत की बरसात लाता है। मुंबई वासी अब काफी यूज्ड टू भी हो गए हैं, सभी हालात उनके लिए नॉर्मल जैसे हो जाते हैं, लेकिन इस बीच भी तमाम दावे जो बीएमसी करती है कि इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगी, जलभराव की स्थिति नहीं होगी, वो क्यों जमीनी तौर पर दिखाई नहीं देते? कभी भी ऐसी तस्वीरें नहीं आती कि ये इलाका ऐसा है जो पूरी तरीके से रेन फ्री है, वहां पर वाटर लॉगिंग नहीं हुई है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? पंकज देखिए नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये इस साल की कहानी नहीं है, हर साल यही कहानी दोहराई जाती है और हर साल हम ग्राउंड जीरो पर इसी तरीके की व्यवस्था देखते हैं। इस साल भी हर साल की तरह बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़े बड़े वादे किए। इस बार तो ये भी कहा कि तमाम उनके जो ग्राउंड फोर्स रहेगी, स्टाफ होंगे, वर्कर्स होंगे, वो तमाम लो लाइंग एरियाज में, क्रिटिकल एरियाज में मौजूद रहेंगे मुंबई वासियों की सहूलियत के लिए, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि लो लाइंग एरियाज में पानी ना भरे क्योंकि वहां पर काफी पंप्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तो लो टाइड भी नहीं, हाई टाइड भी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई जगह पर पानी भर चुका है। सायन में ही मैंने कई इलाके ऐसे देखे जहां पर खुले मैनहोल्स हैं, ड्रेन्स जो हैं वहां पर ओवरफ्लो कर रहे हैं, यानी डिसिल्टिंग का काम नहीं किया गया है। रिचेस्ट बॉडी है देश की और एशिया में भी नंबर आता है बीएमसी का, लेकिन जहां पर लो लाइंग एरियाज है कम से कम बीएमसी से ये तो उम्मीद करी जाती है नेहा कि वहां पर वो कुछ साइन बोर्ड लगा दे, रेड फ्लैग्स लगा दे, क्योंकि मैं देख रहा था सुबह सवेरे कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहां से जा रहे थे, सीनियर सिटीजन हैं जो गुजर रहे हैं। अब अगर उन्हें नहीं पता रास्ते में मैन होल है या कहीं डिप्रेशन है तो फिर वहां पर तो इंजरी भी हो सकती है। अब ये काम मुंबई की सिविक बॉडी का है, वन ऑफ द रिचेस्ट बॉडी इन एशिया है, रेड फ्लैग साइन बोर्ड तो कम से कम लगा सकती है, लेकिन इतना तक बीएमसी के कर्मी नहीं करते हैं। इस बार तो बीएमसी ने इतना बड़ा वादा किया है कि माटुंगा इलाके में और जहां पर बहुत ज्यादा पानी भरता है, प्लस हिंद माता एरिया में उसने कहा है वो नई तरकीब निकाल रहा है। हिंद माता में तो उसने कहा है कि वो अंडरग्राउंड टैंकर्स भी बना रहा है जिससे जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो पानी वहां स्टोर कर लिया जाएगा और जब लो टाइड होगी तो पानी की निकासी कर दी जाएगी। अब ग्राउंड जीरो पर ये तरकीब कितनी काम आती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज के दिन भी कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश का नतीजा ये है कि पानी ना सिर्फ लोलाइंग एरियाज में भरा है बल्कि ये आप देखिए सामने रेजिडेंशियल सोसाइटीज में भी चला गया है और इस कदर चला गया है कि अब तो डर ये है कि जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 घंटे और ज्यादा खतरा है, और अगर 2 से 3 घंटे बारिश का पानी और ज्यादा इसी तरह बढ़ता है तो खिड़कियों से लोगों के घरों के अंदर तक पानी जाएगा। तो बीएमसी से ये सवाल तब पूछा जाएगा, ये तो आपको पता है कि ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ लोगों के घरों में सोसाइटीज में पानी जा रहा है, तो आपने साल भर क्या इंतजाम किए थे? नालियां भरी हुई हैं, ओवरफ्लो कर रही हैं, तो सवाल पूछा जाएगा आपने जो इतना ज्यादा करोड़ों पैसे जो पानी की तरफ बहाए हैं वहां पर काम क्यों नहीं किया गया है, किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए? तो ये सवाल
हर साल बीएमसी के सामने रखे जाते हैं, इस साल भी वही आलम है। ग्राउंड जीरो पर पंकज लॉटरी में आपके पास तीन तस्वीरें हालात को पूरी तरीके से बयां तो नहीं कर रही, क्योंकि मुंबई के कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर और भी ज्यादा स्थिति खराब है। सायन इलाके में मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय आपसे कुछ देर पहले भी मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। मुंबई और उसके सबर्बन इलाकों में कल देर रात से तेज बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि कई लो लाइंग एरियाज में पानी भर गया है, यानी वाटर लॉगिंग हो गई है। इस वक्त मैं मुंबई के सबर्बन इलाके में सायन में मौजूद हूं और यहां क्या स्थिति है ये आप देख ही सकते हैं। सुबह सवेरे से हो रही तेज बारिश का नतीजा ये है कि इस इलाके में जल जमाव हो गया है। कई नालियां जो पहले से भरी थी वहां पर देखा जा सकता है कि मैनहोल्स जो है वो अपनी जगह से हट गए हैं और कई जगह पर स्थिति इस तरह की हो गई है। हालांकि हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि अगर बीएमसी चाहती तो इन क्रिटिकल एरियाज में साइन बोर्ड्स लगा सकती है, रेड फ्लैग्स लगा सकती है, जिससे आम मुंबई वासियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब दूसरी तरफ मैं जाऊं तो देखिए किस तरीके से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों के घरों में धीरे धीरे पानी जाने लगा है, गाड़ियां जो हैं इसकी चपेट में आ रही हैं। और दूसरी तरफ आप अगर देखें, मैं थोड़ा सा पास जाने की अगर कोशिश करूं तो देखिए पानी का लेवल धीरे धीरे से किस तरीके से बढ़ने लगा है। ये तमाम मुंबई के वो लो लाइंग एरियाज हैं जहां पर हर साल हिंद माता, गांधी मार्केट, कुर्ला और ईस्टर्न एक्सप्रेस वे की, जहां पर इस वक्त कुछ ही घंटे की बारिश के बाद स्थिति काफी ज्यादा खराब है। दुर्घटनाओं को न्योता दरअसल ये बारिश दे रही है और कई सवाल बीएमसी से पूछे जाने हैं कि आखिरकार पूरे साल किस तरीके की तैयारी ऐसी बारिश से निपटने के लिए उन्होंने की मुंबई वासियों के, ताकि दिक्कतें ना आए, क्योंकि हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है मुंबई के अलग अलग लो लाइंग इलाकों में, खासतौर पर काफी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है कुछ ही घंटों की बारिश के बाद। 4:30 बजे लगभग हाई टाइड की आशंका जताई जा रही है, 4.08 मीटर हाई टाइड की आशंका है और इसके बाद स्थिति क्या होगी ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच वडाला की तस्वीर देखिए, जहां पर आफत की बारिश और ये लो लाइंग एरिया जहां पर पूरी तरीके से जलमग्न सड़कें और उस पर चलता यातायात। दादर, माटुंगा, हिंद माता, ये तमाम इलाके जो इस वक्त बारिश की विभीषिका झेल रहे हैं और मुंबई में ये आफत की बारिश लोगों के लिए दरअसल काफी ज्यादा मुसीबत लेकर आती है। हर साल मुंबई वासी इसी तरीके से जल भराव की स्थिति से दो चार होते हैं। कहां कहां जल जमा हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं, अंधेरी सबवे, हिंदमाता, दादर, कुर्ला और कहां कहां रूट्स वो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप मुंबई वासी हैं, ताकि आप इस जल जमाव की स्थिति से जो दिक्कतें आ रही हैं उससे बच सकें। महाराष्ट्र के वो तमाम इलाके हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त बारिश जारी है, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग, साथ ही मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश इस वक्त देखी जा रही है। मुंबई की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कुर्ला, विद्या विहार में 25 मिनट ये वो रूट है लोकल का जो देरी से इस वक्त ऑपरेट हो रही है। लोकल हार्बर लाइन में 20 से 25 मिनट की देरी बताई जा रही है। लोकल में ट्रांस हार्बर लाइन में सामान्य है स्थिति, ये राहत की बात है, लेकिन इसके बावजूद आज दिन भर चुनौतियां बनी रहेंगी मुंबई वासियों के लिए। चूना भट्टी लाइन ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, सियोन इलाका ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, लाइफलाइन मानी जाती है मुंबई की लोकल, और ऐसे में इसका लेट होना कई लोगों को आज अपने अपने गंतव्य तक देरी से पहुंचाएगा। कल देर रात से ही ये बारिश शुरू हो गई थी, उसके बाद रुक रुक कर बारिश की स्थिति बनी हुई है। जल जमाव खासतौर पर लो लाइंग इलाकों में सबसे ज्यादा है। कुल्लास और में बस रूट जो हैं वो बदले गए हैं। हिंद माता, दादर, कुर्ला में जल जमाव हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया था। मध्य प्रदेश की बात करेंगे जहां विदिशा जिले के लाल पठार गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने पहुंची भीड़ में भीड़ भी कुएं के धसने से
उसमें जा गिरी। अब तक 16 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, 4 की जान चली गई है, रेस्क्यू अब भी जारी है और 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा हुआ। पठार गांव में 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। 16 लोग कुएं से निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है लाल पठार गांव में। ये पीछे की तस्वीर अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां बनी हुई हैं। जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से पहले स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस यहां पहुंचती है और उसके बाद जो मशीनरी है उसे यहां बुलाया जाता है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। अब 12 घंटे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि दरअसल ये जो जगह है, जो जमीन है, ये बहुत ज़्यादा एक जगह धस रही है बार बार और इसलिए एक समस्या सामने आ रही है कि जैसे ही गड्ढा खोदा जा रहा है तो ऊपर की जमीन जो है वो नीचे धस रही है। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको। कल शाम 6 बजे कुएं में बच्चे के गिरने से चीख पुकार मच गई। बच्चे को निकालने के लिए भारी संख्या में गांव वाले कुएं पर जमा हो गए। काफी लोग स्लैब पर चढ़कर बच्चे को कुएं से निकालने की कोशिश करने लगे, तभी कुएं पर लगा स्लैब भरभरा कर गिर गया और 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। एक साथ इतने लोगों के गिरने से हड़कंप मच गया। 120 किलोमीटर दूर भोपाल तक आवाज पहुंच गई। आनंद फानंद में रेस्क्यू टीम विदिशा से रवाना हुई। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, अब भी जारी है। फिलहाल ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, कितने हैं ये भी अब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बातें निकल के सामने अब तक आ रही है। लेकिन 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कई ऐसे हैं 16 से ज्यादा लोग जिन्हों पहले निकाल लिया गया था, अभी भी अंदर कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ये तो पुष्टि की है। अभी अंदाजा लग पा रहा है कितने लोग और फंसे हैं? कुछ कह नहीं सकते। लंबा बहुत चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, नहीं वो धीरे धीरे क्योंकि एकदम से धस रहा है। जमीन जो है वो बहुत ही ऐसी है कि जब बार बार धस रही है, जिसके कारण काम करने में दिक्कत आ रही है। राहत के काम में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन के धसकने से गिर गया। 13 से ज्यादा जान आफत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर विदिशा में ही थे। उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रविश पाल सिंह, विदिशा, आज तक। विदिशा में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विदिशा के एसपी खुद मौके पर मौजूद है। जिसे हम पूछते हैं, एक बिल्कुल अलग तस्वीर आमतौर पर हम देखते हैं, वर्दी बिल्कुल साफ सुथरी होती है, लेकिन आज पूरी तरीके से आप लोग खुद सने हुए हैं। लंबा ऑपरेशन, बहुत कठिन ऑपरेशन है ये। जी देखिए, चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको, और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज पुलिस ये है कि इनको एवेन्यू दिया जाए जिससे ये सबसे ज़्यादा रेस्क्यू इफेक्टिवली कर सकें, और इसके लिए हमने ज़रूरी कॉर्डन बनाया है जिससे रिलीफ ऑपरेशन में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई अवरोध ना आए, तो उसको मेंटेन करना हमारे लिए प्राथमिकता है और हम लगातार इसमें प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। अब तक कुल कितने शव बरामद हो गए हैं विनायक जी, और क्या अंदाजा लगाया जा रहा है फंसे और कितने हो सकते हैं? अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए। व्हाट वी डू नो इज दैट विद द इंसिडेंट हैपेंड, पहले राउंड में कुछ लोग जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए थे और उनकी रिकवरी भी हॉस्पिटल में लगातार की जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो स्थिति में हो कि हम उनसे चर्चा करें, तो फिर हम उनके स्टेटमेंट्स के आधार पर और अच्छा से असेस कर पाएं कौन लोग शामिल थे। साथ ही हमारा डोर टू डोर सर्वे भी लगातार चल रहा है, जिसमें कि हम आकलन लगाने की कोशिश करें कौन लोग हादसे में शामिल थे। NDRF also पूरे टोपोग्राफी को असेस करके वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम वाइड स्कोप इसको रखें और किसी भी एस्पेक्ट को मिस ना करें।
और अब बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां दानमार इलाके के आलमदार कॉलोनी में सुबह सुबह एनकाउंटर में दो आतंकवादी ढेर कर दिए गए। आईजी विजय कुमार के मुताबिक दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर में सीआरपीएफ के दो जवान जख्मी हुए हैं और आतंकी के छिपे होने की सटीक सूचना पर ही पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने यह कार्रवाई की है। सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेरा तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में लश्कर के दो आतंकवादी ढेर हो गए। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चला रही है। किस तारीख को कितने आतंकियों का खात्मा हुआ यह हम आपको दिखा रहे हैं। 14 जुलाई पुलवामा में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, वहीं 2 जुलाई पुलवामा में 5 आतंकियों का खात्मा हुआ। लगातार बीते कई दिनों से इसी तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 16 जुलाई को श्रीनगर में 2 आतंकियों का खात्मा और आज भी 2 आतंकियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। ये जॉइंट ऑपरेशन और इस वक्त भी वहां सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसे कहते हैं, ताकि कोई और आतंकी छिपा ना हो, इस आशंका को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस ऑपरेशन की हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आतंकियों को ढेर किया गया। जवाबी फायरिंग में सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दो आतंकी इस रिहायशी कॉलोनी में छुप गए थे। सिविलियंस के लिहाज से ये बेहद खतरनाक ऑपरेशन, क्योंकि ऐसे में आपको सिविलियंस की जान का भी खास ख्याल रखना होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना होता है ताकि सिर्फ आतंकियों को चोट पहुंचे। रुकना होगा यहाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।